नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 26 अप्रैल, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना प्रभावितों के आंकड़े में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। बिहार में लगातार कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार बीते दिन सूबे में नए मामले के साथ कोरोना प्रभावितों का आंकड़ा 251 पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना के मामले में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार आनन-फानन में जगह जगह को सैनिटाइज करने का काम करवा रही है। वहीं सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को भी जल्द से जल्द निकालने की मुहिम को तेज करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को नौकरी देने की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को भी रोजगार देने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनका जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम दिया जाए। ग्रामीण विकास विभाग व लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त बातें कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश जारी करते हुए सभी मजदूरों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध करवाने की पहल को भी तेज करने की बात कही थी। वहीं बिहार में लगातार कोरोना के मामले को देखते हुए उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का आदेश भी जारी किया है। एम्स पटना में प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा कोरोना मरीज का इलाज। बीते दिन राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद अब पटना के एम्स में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज किए जाने की बात कही गई है। खबरों की माने तो बीते दिन मामलों में हो रहे इजाफे को देखते हुए दिल्ली और मुंबई के तर्ज पर बिहार सरकार ने भी प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने का ऐलान जारी किया है, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्लाज्मा के ट्रायल का सफलतापूर्वक परीक्षण होने की बात कही थी। AES प्रभावित 11 जिलों में निजी एम्बुलेंस में मरीज लाने पर सरकार देगी सारा खर्चा। जहां एक तरफ बिहार में कोरोना के बढ़ते असर ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के विभिन्न जिलों में AES के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब सरकार ने सभी निजी एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाए गए मरीजों का खर्चा देने का ऐलान जारी किया है। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी 11 जिलों के DM समेत अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। खबरों की माने तो वर्तमान समय में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी समेत कई शहरों में AES के मामले सामने आए हैं। कोरोना प्रभावित व्यक्ति के मिलने के बाद कर्मचारियों का लिया गया सैंपल। बीते शुक्रवार को डाक बंगला में कोरोना प्रभावित व्यक्ति के सामने आने के बाद पूरे बैंक के कर्मचारियों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबरों के माने तो 35 बैंक कर्मियों की जांच के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद सतर्कता के तौर पर इन कर्मचारियों का सैंपल ले लिया गया है। हालांकि इन सभी लोगों को अभी आइसोलेशन में डाल देने पर सोच विचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने आश्वस्त करते हुए यह कहा है कि प्रभावित व्यक्ति के आसपास के सभी लोगों की जांच तेजी से की जा रही है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। निष्क्रिय जनधन खाते से महिलाएं जून तक निकाल सकती हैं पैसे। उक्त आदेश उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 30 जून तक महिलाएं जनधन के निष्क्रिय खातों से केंद्र द्वारा मार्च, अप्रैल और मई महीने के प्रति खाते 5-5 सौ की दर से भेजी गई राशि को निकाल सकती हैं, जिसके तहत बिहार के 2,33,00,000 महिलाओं के जनधन खाते में पहले टेस्ट के तौर पर 1,165 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह भी बताया है कि RBI ने निष्क्रिय बिना KYC वाले खाते में भी 30 जून तक राशि की निकासी की छूट देने का निर्देश जारी किया है। IGIMS में टीवी का मरीज में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। IGIMS में टीवी के मरीज में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद मरीज के आसपास जाने वाले लगभग 25 मेडिकल स्टाफ को आइसोलेशन में डाल दिया गया। खबरों की माने तो पाए गए स्वास्थ्य कर्मियों में 3 डॉक्टर, 10 नर्स और 12 अन्य लोग हैं जो IGIMS पटना में काम करते थे। हालांकि इन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाल दिया गया है। इनके सैंपल जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। कोटा मामले पर पटना हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से मांगा जवाब। जहां एक तरफ सभी राज्य कोटा से अपने छात्रों को वापस बुला रहे, वहीं बिहार सरकार अपने छात्रों को बुलाने से मना करने पर पटना हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। कोटा समेत अन्य राज्यों में बंद के दौरान फंसे बिहारी छात्रों को वापस बुलाने के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को 27 अप्रैल तक जवाब भेजने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रवैये से नियोजित शिक्षक नहीं है खुश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीते दिन समीक्षा किए जाने के बाद सभी नियोजित शिक्षकों को उम्मीद की किरण मिली थी कि शायद सरकार अब उनकी मांग को सुनकर उस पर कोई फैसला सुनाएगी। हालांकि नीतीश कुमार के रवैये से नियोजित शिक्षक नाखुश नजर आए हैं। समीक्षा के 24 घंटे के बाद भी शिक्षक संघ से कोई बातचीत का ऑफर नहीं दिया गया है, जिसके बाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधी चुनौती देते हुए अपनी मांग से पीछे नहीं हटने का ऐलान जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने देर से ही सही मगर सभी लोगों को दाल की आपूर्ति का दिया आश्वासन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत करने के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि भले ही बिहार में गरीब लोगों को मुफ्त में 1-1 किलो दाल देने में देरी हो रही है, मगर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी गरीबों को अगले 3 महीने तक प्रतिमाह 1 किलो दाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत करने के दौरान बताया कि देश में पहली बार नाफेड की ओर से प्रतिमाह 19.55 करोड़ परिवारों को 1.95 लाख मीट्रिक टन दाल की आपूर्ति की जानी है।
बिना राशन कार्ड वाले 6 लाख शहरी गरीबों को मिलेगी मदद। कोरोना के बढ़ते असर के कारण बंद के बाद शहरी गरीब परिवारों के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1,000 की राशि भेजने का ऐलान जारी किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निकायों में कराए गए सर्वे में ऐसे शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 1.5 लाख बताई गई है और उनसे जुड़े लोगों की संख्या तकरीबन 6 लाख है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। फिलहाल 1,000 रुपए की राशि देने के साथ ही सरकार ने जल्द से जल्द उन्हें राशन कार्ड भी मुहैया करवाने की कोशिश करने की अपील की है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को सूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बावजूद पटना में नहीं मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने बीते दिन जरूरी गाइडलाइन जारी करते हुए आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगर पालिका और नगर निगम की सीमा के भीतर आती हो। मगर सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश के साथ केंद्रीय मंत्रालय ने कुछ शर्तों को भी लागू किया है जिसके तहत सिर्फ 50% स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर पाएंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मद्देनजर पटना के जिलाधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को बिहार सरकार के मंत्री ने दिलाया भरोसा। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को बिहार सरकार के मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्र को प्राथमिकता बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बंद खत्म होते ही सबसे पहले कोटा के छात्रों को लाया जाएगा। वहीं बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि बाहर के राज्य में बिहार के 17 लाख लोग हैं, सरकार का ध्यान उन सब पर है, किसी भी लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार इनकी भलाई और कल्याण के लिए बराबर सोच रही है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों को 2 टूक नसीहत देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति न करे। पटना का खाजपुरा इलाका कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित। बीते दिन खाजपुरा में कुल मिलाकर 17 मामले सामने आए थे जिसके बाद खाजपुरा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है जिसके बाद उस इलाके में पूरी तरीके से आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं जगदेव पथ से लेकर आशियाना मोड़ तक को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। खबरों के माने तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। वहीं पटना जिला अधिकारी कुमार रवि, SSP उपेंद्र शर्मा समेत वरीय अधिकारी ने खुद पूरे इलाके का जायजा भी लिया है। इसके साथ ही लगातार पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। वहीं लोगों से घरों में रहने की अपील भी लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद के बाद उपेंद्र कुशवाहा समेत रालोसपा नेताओं ने रखा उपवास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद को देखते हुए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 7 सूत्री मांग को पूरा नहीं किए जाने पर बीते दिन उपवास पर बैठे थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बिहार में रालोसपा नेता और कार्यकर्ता भी अपने अपने घरों के बाहर उपवास पर ही रहे थे। खबरों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन बिहार सरकार से 7 सूत्री मांग की थी जिसमें मजदूरों का काम, विद्यार्थी, किसान, छोटे दुकानदार और स्वरोजगार से जीवन यापन करने वालों को लेकर अपनी मांग सामने रखी थी। अक्षय तृतीया पर लॉकडाउन का देखने को मिलेगा असर। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। वहीं इसी दिन आज शुभ मुहूर्त में सोना और चांदी खरीदने की परंपरा भी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से धन की कभी कमी नहीं होती। इस बार का अक्षय तृतीया सोना सुना ही जाएगा क्योंकि बंद के कारण इस बार खरीदारी नहीं हो पाएगी। वहीं सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू किए जाने के बाद सोना चांदी की दुकान बंद पड़ी है और लोग घरों में ही बंद है। माहौल अभी पहले जैसा नहीं रहा। संजय जायसवाल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की तारीफ। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता साथ ही कोरोना की परिस्थिति में उठाए गए हर कदम की तारीफ करते हुए यह कहा है कि 733 में से 321 जिले संक्रमित होने से इसलिए बच गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एहतियात के तौर पर अपने फैसले को सुनाना पहले से शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सजगता के कारण ही COVID-19 का मामला शुरू होते ही एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। होली मिलन समारोह को स्थगित कर दिया गया था। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूकता फैला दी गई थी। यही कारण है कि सभी देश के मुकाबले भारत में अभी COVID-19 के मामले नियंत्रित है। बिहार में शुरू होने वाली आवश्यक सेवाओं पर आज होगा फैसला। बंद के दौरान बिहार में आवश्यक सेवाओं को शुरू करने के लिए केंद्र के फैसले पर विचार विमर्श किया जा रहा है जिस पर रविवार को फैसला लिया जाएगा। जिसकी जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने देते हुए यह बताया कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक के बाद राज्य सरकार बंद के बीच छूट देने के प्रावधानों पर अंतिम फैसला लेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने नगर निगम क्षेत्र के बाहर के इलाके में दुकान खोलने का फैसला जारी किया है। उस पर राज्य सरकार आज फैसला लेकर विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय बता देगी। आपको बता दें बीते दिन COVID-19 के लगातार मामले के बढ़ते सर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को बिहार सरकार ने कैंसिल कर दिया था। अब सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे बैठे चिड़ियाघर की कर सकेंगे सैर। अब सभी लोग घर बैठे बैठे चिड़ियाघर की सैर कर सकेंगे। प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी की गई एक अनोखी पहल के कारण बंद के बीच घर बैठे बैठे अब लोग पटना जू की वर्चुअल सैर कर पाएंगे। क्योंकि गर्मियों की छुट्टी के समय में अक्सर सब लोग परिवार के साथ पटना जू घूमने जाते थे मगर बंद की वजह से इस साल यह संभव नहीं हो पाया है। जिसको संभव बनाने के लिए अब विभाग ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर रोज पटना चिड़ियाघर में रहने वाले पशु पक्षियों से मुलाकात करवाएंगे।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पांचवें चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पांचवें चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जल्द ही इसका विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति पंचायत 5 लाभों की दर के अच्छा दान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 4 चरणों में आवेदन आमंत्रित किया गया है, जबकि अब तक कुल मिलाकर 55% लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। बिहार में इसरो के सहयोग से हेल्थ ऑपरेटिंग सेंटर की होगी शुरुआत। इसरो की मदद से जल्द ही बिहार में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर की शुरुआत की जाएगी, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का निर्माण प्रभावित क्षेत्र के गांव को आधार मानकर किया जा रहा है। इस पोर्टल पर सभी जिलों के संबंध में जानकारी होगी, साथ ही सभी जिलों में कोरोना के एपिसेंटर के तौर पर उस जिले को मैप पर कंटेनमेंट जोन के अनुसार दिखाया जाएगा। इस पोर्टल पर कंटेनमेंट जोन एपिसेंटर के 3 किलोमीटर के दायरे में होगा तथा बफर जोन 7 किलोमीटर के दायरे में होगा। बिहार के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर के जाने पर शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें, देवानंद कुमार बिहार के अलावा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। वहीं उन्होंने बीते दिन असम के गुवाहाटी स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी उनके जाने पर संवेदना व्यक्त की थी। रोहित शर्मा इस क्रिकेटर को मानते हैं भविष्य का सुपरस्टार। भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने हाल ही में भविष्य के सुपरस्टार क्रिकेटर का नाम बताते हुए शुभमन गिल का नाम लिया है। रोहित शर्मा की माने तो न्यूजीलैंड दौरे पर डेब्यू करने वाले शुभमन गिल को पर्याप्त मौका नहीं मिला था। इससे पहले शुभमन गिल को मौका मिला तो वह रन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि उन्होंने भारत एक और कोलकाता नाइट राइडर्स और अपने घरेलू टीम पंजाब के लिए लगातार बेहतरीन पारी खेली है। बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा कि शुभमन गिल को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है, उन्हें और मौका मिलने की जरूरत है। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने हरभजन सिंह के साथ इंस्टाग्राम लाइव के दौरान ये बातें कही थी। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का नया गाना सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का विरह गीत चंदा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। यह गीत अक्षरा सिंह ने खुद गाया है। इस गाने का लिरिक्स राजकुमार सैनी ने तैयार किया है, जबकि म्यूजिक अजय सिंह जी ने दिया है, जिस पर अक्षरा सिंह का कहना है कि मेरा यह गाना बंद के इस माहौल में लोगों का मनोरंजन करेगा। इस गाने की रिकॉर्डिंग बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस गाने का रिलीज नहीं हो पाया था, लेकिन अब बंद के माहौल में रिलीज हुए इस गाने से यकीनन काफी लोगों का मनोरंजन होगा। जूम के मुकाबले में फेसबुक ने पेश किया मैसेंजर रूम। वीडियो चैटिंग ऐप जूम के मुकाबले में फेसबुक ने अब अपना एक नया फीचर एड ऑन किया है, जिसका नाम मैसेंजर रूम है, जिसे कि अब एक साथ 50 लोग वीडियो कॉलिंग से जुड़ सकते हैं। हालांकि फेसबुक द्वारा ऐसे समय में नए फीचर को लाना जूम ऐप के लिए अच्छी खबर साबित नहीं हो सकती, क्योंकि बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम की लोकप्रियता और प्राइवेसी को लेकर काफी सवाल उठने लगे थे। वहीं फेसबुक द्वारा जारी किए गए वीडियो कॉलिंग मैसेंजर रूम फीचर में कोई भी सिर्फ एक इनवाइट लिंक के जरिए शामिल हो सकता है। भले ही वह फेसबुक ना इस्तेमाल करता हो, फिर भी वह आसानी से इसमें शामिल हो सकता है। इसके साथ ही फेसबुक मैसेंजर रूम में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इफेक्ट्स भी मिलेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संतोष कुमार, सुखपाल सिंह, ललन कुमार, रॉक म्यूजिक, दीपक कुमार, आलोक कुमार, सुशांत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अभय यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बीते एक महीने के लॉकडाउन की अवधि में रहने के बाद आपने कौन सी एक नई चीज सीखी है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।